मुख्य धारा की मीडिया के जितने भी बड़े संस्थान हैं उनका गोदीकरण संपूर्ण हो चुका है, और अब जो दूसरी जगह हैं जहां पर बची खुची रिपोर्टिंग है या फिर सवाल उठाए जाते हैं, जैसे न्यूज़ क्लिक है, वायर है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, कैरवन है, इन सब पत्रिकाओं पर और वेबसाइट पर निगाह है कि कैसे इन्हें ख़त्म किया जाए। तरीका है मुकदमा या फिर छापा। ईडी जो है वो अब नई सीबीआई है, इसके ज़रिए विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, इसके ज़रिए अब पत्रकारों को डराए जाने का काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि पैटर्न ये है कि जो नई उभरती हुई जगह है उस जगह को उभरने से पहले खत्म कर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री दोनों ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है और इनके ऊपर एक साथ आईटी की रेड पड़ती है। आप क्या कहेंगे, पूरी की पूरी गोदी मीडिया। रवीश कुमार जी ने बिल्कुल ठीक कहा, और रवीश कुमार जी का ये जो वीडियो हमने आपको सुनवाया है ये फरवरी का है। फरवरी के अंदर भी इसी साल फरवरी महीने में न्यूज क्लिक के ऊपर रेड पड़ी थी, ईडी की रेड पड़ी थी, और 5 दिनों तक वो रेड चली थी। 5 दिनों तक न्यूज क्लिक के ऊपर इसी साल फरवरी में रेड पड़ती है, और अब उसके बाद में ये फिर से जो है वो आईटी की रेड पड़ती है दोनों संस्थानों के ऊपर। तो पूरी तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया बन चुका है, लेकिन जो छोटे छोटे न्यूज पोर्टल हैं जो काम कर रहे हैं, न्यूज क्लिक है, वायर है, न्यूज लॉन्ड्री है, ये तमाम जो पोर्टल है वो काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट लिख रहे हैं, उनको लेकर के अब किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है ये आप खबर देखिए। दैनिक भास्कर की खबर है, और दैनिक भास्कर पर और भारत समाचार पर, उन पर भी अभी कुछ ही समय पहले जो है वो किस तरह से आईटी की रेड पड़ी थी, ईडी की रेड पड़ी थी, उसके बाद में कैसे शिकंजा कसा गया वो सब भी आपने देखा। न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पर आईटी की कार्रवाई, टैक्स चोरी और लेन देन में हेरा फेरी की जांच करने पहुंची आयकर टीम, दोनों पोर्टल के बही खाते खंगाले जा रहे हैं। अब ऐसे कौन से बही खाते सरकार को खंगालने हैं कि उसके लिए हर छठे महीने में सरकार अपनी तरफ से आईटी ईडी की टीम जो है भेज देती है, ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को आप गहराई से बैठ करके सोचिए। ऑनलाइन पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के ऑफिस पर शुक्रवार को आईटी की टीम पहुंची। आईटी ने टैक्स चोरी के जांच के लिए यह कार्रवाई की। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को रेड की जगह सर्वे कहा गया है। अब आयकर की टीम कह रही है हम सर्वे करने के लिए आए हैं। बताइए, आयकर की पूरी टीम पहुंच गई एक दफ्तर में छापा मारने के लिए, और पता चला छापा ही नहीं है, ये तो हम सर्वे कर रहे हैं। आपको मुझे हंसी जरूर आ रही है और आपको भी आ रही होगी, कितना बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं कि हम जो है रेड का भी इसको रेड ही नहीं कहेंगे। रेड कहेंगे तो फिर वो फजीहत होगी, फिर वो तमाम जगह पर जो है वो लिखा जाएगा, इसलिए इसको सर्वे का नाम दे दो, नया नाम आया है। वैसे भी अब योगी जी ने नाम बदलने की परंपरा की हुई है। आईटी अफसरों ने बताया कि विभाग की अलग अलग टीमें न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के परिसरों की जांच कर रही है। न्यूज लॉन्ड्री के कर्मचारी ने कहा कि आईटी की ऑफिसर शुक्रवार सुबह 11:30 बजे ऑफिस आ गए थे, उन्होंने स्टाफ के मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है, तो फोन वगैरह सब कुछ जो है वो बंद करवा दिए हैं। और किस तरह से जो है वो बही खाते खंगाले जा रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री के, न्यूज क्लिक के, सब कुछ हो रहा है। सुष्मिता मजुमदार है, इन्होंने लिखा है बीजेपी प्लस आरएसएस प्लस में ईसी इलेक्शन कमीशन प्लस में सीबीआई आईटी प्लस में ईडी गोदी मीडिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड पेगासस फेसबुक ट्विटर, ये सारा जो है गठबंधन है, ये सारा एक गठबंधन है, वो सरकार के साथ में है, फिर भी जो है वो सच और इंसाफ की जीत होगी ये लोग कह रहे हैं। अब आपको कुछ एक खबरें दिखाते हैं कि क्या वजह है आखिरकार, क्यों ये मीडिया पोर्टल जो है सरकार की आंखों में इतने खटक रहे हैं। बड़े बड़े चैनल भी तो चल रहे हैं, आज तक चैनल चल रहा है, अर्णब गोस्वामी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, यहां पर ये क्यों खटक रहे हैं, इसकी वजह है। वजह आप ये देखिए, न्यूज लॉन्ड्री की एक खबर है, न्यूज लॉन्ड्री की खबर है, और इस खबर में कैसे इन्होंने पर्दाफाश किया है। जनता का पैसा, मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की शाह खर्ची में व्यय हो रहा है, पीयूष गोयल एयर इंडिया के स्थान पर चार्टर्ड विमानों में यात्रा कर रहे हैं, या फिर एक ही यात्रा के कई कई टिकट बुक करवाते हैं, तो ये किस तरह से जनता के पैसे का खुलेआम जो है वो फिजूल खर्ची की जा रही है, ये रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री ने की थी। अब ऐसी रिपोर्ट बाहर आएगी तो मंत्री जी को परेशानी नहीं होगी, और मंत्री जी फिर क्या करेंगे। एक और खबर आप देखिए, न्यूज लॉन्ड्री की खबर है, चुनाव आयोग की आपत्तियों पर झूठ, संसद में झूठ, विपक्षी पार्टियों से बिना मसौदे के सुझाव, अनगणित झूठ की नींव पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लागू करवाने की कहानी।
इलेक्ट्रोल बोर्ड के नाम पर किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है इस देश में, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा जो है खोलने का काम किया है। और ऐसा नहीं है कि एक दो मिनट की खबर है या 200 शब्दों में खबर को लिख दिया गया, एक रिसर्च करके बाकायदा जो है वो 7-8 पन्ने की, कम से कम 2,500-3,000 शब्दों की, 10-15,000 शब्दों की एक खबर तैयार होती है। उसमें मेहनत लगती है, उसमें कई कई दिन लग जाते हैं, तब जाकर के खबर तैयार होती है। लेकिन वो खबर ये बताती है सरकार के अंदर खाने से पूरा खंगाल करके कि कैसे जो है गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उससे सरकार डरती है। अभी कल ही हमने आपको खबर बताई थी, ये खबर भी न्यूज लॉन्ड्री ने की थी, मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद में 5,749 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए, और ये 1.5 गुना ज्यादा पैसा है मनमोहन सिंह की सरकार से। मनमोहन सिंह की सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए जो है वो 10 साल में खर्च किए थे, और साहिब ने अभी 7 साल के अंदर ही 5,700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब ये खबर जो है आप लोगों को बताएंगे तो क्या दिक्कत नहीं होगी सरकार को? लोग कहेंगे नहीं कि हमारे यहां पर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, ये 5,700 करोड़ रुपए प्रचार में फूंक रहे हैं, तो लोगों में गुस्सा आएगा, उस गुस्से का कुछ ना कुछ इलाज होगा। एक खबर और आप देखिए, ये भी बसंत कुमार है, रिपोर्टर है न्यूज लॉन्ड्री के, और इन्होंने खबर की थी, ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी, अयोध्या के मेयर बीजेपी नेता ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण ने फरवरी 2021 में 20 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी, 3 महीने बाद मई में 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र को बेच दिया, इस जमीन का सर्कल रेट जो है वो 35 लाख रुपए है। ये जो है वो रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से की जाती है कि कैसे बीजेपी के मेयर का एक भांजा जो है वो करीब 20 लाख रुपए में जमीन खरीदता है और 3 महीने के अंदर अंदर जो है इसको 2.5 करोड़ रुपए में बेच देता है। करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है, करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। अब यह खबर सामने आएगी तब क्या होगा? ऐसे ही न्यूज क्लिक का भी है, न्यूज क्लिक ने अभी हाल ही के अंदर खबर की थी और यह खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प खबर है। अभी हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, यह खबर आप देख लीजिए फिर बताते हैं इसको, नई एमएसपी की घोषणा, गेहूं की बाल में गेहूं का दाना भी नहीं है, यह जो है वो न्यूज क्लिक ने खबर की है, और बड़ी लंबी चौड़ी खबर ये है, 10-15 पन्नों की खबर है, और इस खबर में दिखाया गया है कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी घोषणा की है कि हम गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल हम कर रहे हैं। 40 रुपए प्रति क्विंटल का मतलब ये होता है 40 पैसे एक किलो गेहूं पर मात्र 40 पैसे बढ़ रहे हैं। अभी बताइए 40 पैसे कोई बढ़ना होता है, और इसीलिए न्यूज क्लिक ने लिखा था कि एमएसपी की जो नई घोषणा हुई है वो गेहूं की बाल होती है, उसमें गेहूं के दाने होते हैं, एक बाल के अंदर एक पेड़ होता है, एक पेड़ का तना, उस पे एक बाल आती है, उसके बाल में गेहूं का दाना भी नहीं है, कई सारे दाने होते हैं एक बाल के अंदर, उस बाल में दाना ही नहीं है। ये कैसे जो है सरकार ने पूरा फर्जीवाड़ा किया है, ये न्यूज क्लिक ने बताया था। इस खबर को लेकर के जो है न्यूज क्लिक के ऊपर सरकार की टेढ़ी नजर थी। एक खबर और देखी न्यूज क्लिक की, पेट्रोल डीजल पर बढ़ते टैक्स के नीचे दबते मजदूर और किसान। कैसे पेट्रोल डीजल को लेकर के सरकार कहती है कि नहीं, ये तो जो है वैक्सीन आपको लगवानी है, ये करवाना है, विकास का काम होना है, उद्योग धंधे ठप है, तो अब कोरोना में ऐसे समय पर केवल पेट्रोल डीजल ही हमारा सहारा है, लेकिन उसकी वजह से कैसे मजदूर और किसान दब रहे हैं, ये न्यूज क्लिक की विस्तार से रिपोर्ट है। ये केवल एक लाइन की खबर आप इसको मत समझिए, इसके पीछे 20-20 पन्नों की खबर है और उसके पीछे मेहनत लगती है 3 दिन 5 दिन 10 दिन की। एक सीनियर रिपोर्टर जो है उस पर काम करता है और कई सारे लोग उस पर काम करते हैं, पूरी टीम काम करती है, तब जाकर के सब कुछ होता है। एक और खबर है, सूट बूट वालों को ही फायदा, इकोनॉमी पस्त है, धन्ना सेठ मस्त है। ये न्यूज क्लिक की खबर है कि कैसे मोदी सरकार में जो है वो उद्योगपतियों की चांदी हो रही है और जो बाकी के देश में गरीब जनता है वो कैसे अपने नमक के साथ रोटी खाने को मजबूर हो रही है। तो ये खबरें जो है वो न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, ऐसे ऐसे संस्थान जो है लेकर के आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे संस्थानों के ऊपर लगातार सरकार का सिकंजा कसता हुआ जा रहा है, और इसी की वजह है कि सरकार हर 6 महीने में, हर 2-4 महीने में यहां पर आईटी की और ईडी की रेड जो है वो डलवा देती है। हमने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से रवीश कुमार ने तब कहा था कि पूरा का पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया हो गया है, और जो नए नए संस्थान अब उभर करके ऊपर आ रहे हैं उनके ऊपर किस तरह से सिकंजा कसा जा रहा है। सवाल यह है कि सरकार जिस तरह से पीछे पड़ी हुई है, ऐसे में लगता नहीं है कि कोई बच पाएगा, लेकिन क्या ऐसे में खबरें दिखाना हम लोग बंद कर दें? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खबर बता रहे हैं केवल,
इस खबर बताने के नाम को सरकार ऐसी क्यों ले रही है कि यहां पर जो है उनके खिलाफ कुछ वो हो रहा है, साजिश हो रही है, कुछ और हो रहा है। हम केवल सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं, और एक सच्चे पत्रकार कोई भी हो, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री का हो, किसी भी संस्थान का पत्रकार हो, उसका काम यही है कि वो खबर बताए। सरकार का गुणगान करना, सरकार की बड़ाई करना, वो तो प्रवक्ता बैठे हैं, लेकिन सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो भी तो कोई बताएगा, उस पर भी तो कोई चर्चा करे, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। और इसीलिए जो भी आजाद आवाजें हैं उनका सारा का सारा ध्यान जो है वो सिक्के की दूसरे पहलू की तरफ ही रहता है, क्योंकि यहां पर तो चमकने वाला जो पहलू है वो सबको ही दिखा रहा है, उस पर पूरी गोदी मीडिया बात कर रही है। अब उस पर हम लोग अगर बात करने लग जाए तो आप भी कहां पर जाएंगे, जो दर्शक है देश के वो कहां पर जाएंगे, उनको कहीं पर तो सच्चाई मिलेगी। लेकिन जहां पर सच्चाई मिल रही है, सरकार को लग रहा है कि नहीं, ये सरकार के खिलाफ एजेंडा है। सरकार के खिलाफ एजेंडा नहीं है, ये उस बैलेंस करने का काम जो है हम लोग कर रहे हैं कि एक तरफ गोदी मीडिया पूरा गुणगान कर रही है तो उसमें हकीकत पता ही नहीं चल पा रही है। अब हकीकत जो है वो इस तरह से जो ऑनलाइन मीडिया पोर्टल है उनके द्वारा आपको लोगों को पता चल रही है, लेकिन उन्हीं पर सरकार की जो है टेढ़ी नजर है। खैर, सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, और जिस तरह से पहले न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री जो है वो बेदाग होकर लौटे थे, और उसी तरह से अब भी लौटेंगे। लेकिन खबर यही है, सवाल यही है कि आखिरकार सरकार क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इन तमाम संस्थानों को डराना चाहती है कि ये सारे संस्थान ग्राउंड पर उतर करके लोगों के बीच में जाकर के खबरें ना दिखा पाए? क्या इसके पीछे संदेश ये है? बड़ा सवाल ये है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे आजाद आवाजों को कुचलने की कोशिश हो रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।